राम राम सभी भाइयों को। आशा करता हूँ सभी के सभी स्वस्थ होंगे और सभी के व्यापार भी अच्छे से चल रहे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मुझे आप लोगों से प्यार मिलता ही रहता है, सभी के फ़ोन आते रहते हैं, मुझसे जो मदद बनती है मैं उनकी करता भी हूँ। और बाकी चलिए पहले मैं आपको गोदाम दिखा देता हूँ और उसी में जो मैंने आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी बताई है उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए गोदाम में चलते हैं। और ये हमारे गोदाम का व्यू है, जैसा कि आपने पहले भी देखा हुआ है, ऑलरेडी कई बार हमने वीडियो में दिखाया हुआ है। ये गोदाम एक टाइम पे मतलब पेपर से खचाखच भरा रहता था, लेकिन अभी हमने इसको बिल्कुल साफ़ कर रखा है। ये हमारे कुछ HM के बैग रखे हुए हैं जो सफाई में निकले हैं, हमने HM वगैरह सब कुछ फ़िलहाल ख़त्म कर रखा है। ये थोड़ी सी रद्दी है और ये इधर हमारे सामने कुछ रील्स लगी हुई हैं जो अनमैच्ड साइज होते हैं, गाड़ी में आ जाते हैं, वो हैं ये। बाकी आप देख ही सकते हो, तो हमने पूरा का पूरा अपना रेस्ट करा हुआ है फ़िलहाल, कावड़ ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल अब, और अब हम दोबारा से शुरू करेंगे। ये हमारे दो माइका के रोल निकले हैं, ये हमें पता ही नहीं था, ये माल के पीछे दबे हुए थे। और ये देखिए कितना पॉलिस्टर हमारा, छोटे 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 रोल निकले हैं पॉलिस्टर के, ये भी सब ऐसे ही पड़े हुए थे, रीलों के बीच में पड़े हुए थे। तो मेरा मानना है कि सभी को एक बार इस तरीके से सफाई करनी चाहिए गोदाम की, जिससे कि क्या होता है, एक तो पुराना जो कचरा होता है वो सब बाहर निकल जाता है और जो चीज़ें नीचे पड़ी रहती है, माल के नीचे दबी रहती है, वो बाहर निकल आती है, मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई ये भी है। ये हमने कटर को अपने थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका दिया है, पहले कटर पीछे था, ये यहाँ पे था कटर, आपने वीडियोज़ में देखा भी होगा, इस जगह पे कटर था, अब वो हमने आगे कर दिया है। यहाँ से सब हमने सब रास्ता हमने अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा गोदाम कर रखा है फ़िलहाल। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, नया माल भरेंगे गोदाम में और पेपर वगैरह की गाड़ी आएंगी, पॉलिस्टर तो बल्कि आज शाम तक आ भी जाएगा क्योंकि लेमिनेशन का ऑर्डर आ गया है ऑलरेडी, तो लेमिनेशन भी करके देनी है पार्टी को। तो यही है, बाकी एक बार ये देख लीजिए पूरा व्यू गोदाम का आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बिजनेस को छोड़ करके कुछ समय के लिए अपने माइंड को रेस्ट देते होंगे, और देना भी चाहिए, ये ज़रूरी है, ये नहीं कि हर टाइम काम 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 काम, कभी कभी रेस्ट भी ज़रूरी हो जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में कावड़ के टाइम पे कितना रश रहता है, मुजफ्फरनगर सबसे मेन एरिया होता है कावड़ के लिए। तो हमने भी सोचा कि भाई चलो ठीक है, पूरा साल हो गया काम करते हुए, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं सभी को, वर्कर्स वगैरह की सबकी छुट्टी कर रखी है। फैक्ट्री की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, वो कल अपलोड करूँगा, और वहाँ पे भी हमने बिल्कुल साफ़ कर रखा है। और अब हम दोबारा से शुरू करेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा व्यू है अपने गोदाम का, और अब हम इसमें दोबारा से इसका पेट भर देंगे। आपने देखा हुआ है मेरा शॉर्ट, अपने व्यापार का पेट भर के रखो, वो आपका पेट भर के रखेगा। और ये कहावत सच है दोस्तों, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा एक ये मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए है कि काम से रेस्ट लेना चाहिए, है ना। ये हमारा इधर अपना ऑफिस है और बाकी तो आपने देख लिया, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है बाहर, जो कि अभी कावड़ के दौरान ही हमने परचेज की थी, है ना। तो ये अपनी हमने ले ली थी थोड़ा सा मन माइंड को मोटिवेशन करने के लिए, और बाकी तो अपना ये ऑफिस का व्यू है। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, धन्यवाद।